हेलो एवरीवन, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाउ टू आइडेंटिफाई टाइप या फिर नेचर ऑफ द सॉल्ट। इसे कभी कभी सवाल आएगा बोर्ड एग्जाम में, आता भी है कि ये सॉल्ट एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, आप कैसे समझें कि सॉल्ट का नेचर है क्या। तो जब भी आपको सॉल्ट का नेचर समझना हो तो सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है कि आप उसके पेरेंट के पास जाओ, उसका ऑरिजिन कहाँ से आप वो लेके आओ। फॉर एग्जाम्पल बच्चे, लेट्स सपोज कि हमारे पास है K2SO4। अब देखिए, आपको पता है इसका नाम क्या है, पोटेशियम सल्फेट। अब अगर मान लो कोई मुझसे पूछे कि बताओ ये सॉल्ट का नेचर क्या है, एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, तो हम कैसे जज करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कल को दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, लेट्स सपोज आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक स्ट्रॉन्ग बेस है, जब उसको मिलाओगे तो जो सॉल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, न्यूट्रल। बट मान लो कि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक वीक बेस है, तो जो स्ट्रॉन्ग होगा आप उसकी बात मानोगे। तो मतलब अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस हुआ तो सॉल्ट कैसा बनेगा आपका, एसिडिक सॉल्ट बनेगा। बट मान लो अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है, तो अब जो स्ट्रॉन्ग है आप उसकी बात मानोगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, बेसिक सॉल्ट बनेगा। एग्जाम्पल देखें, देखो पोटेशियम सल्फेट है बच्चे, अभी आपके हिसाब से कहां से आया होगा, तो ये आया होगा एक तो मेरे ख्याल से KOH और H2SO4 से। अब आपको पता है कि KOH जो है मेटल हाइड्रोक्साइड है, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, और जो H2SO4 है ये एक मिनरल एसिड है और इसका ये वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जब भी दोनों ही स्ट्रॉन्ग है तो जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। ध्यान रखना बच्चे, ये कैसा सॉल्ट हो गया यहाँ पे, दिस इज अ न्यूट्रल सॉल्ट। तो इस तरीके से आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। अच्छा एक और एग्जांपल देखते हैं। तो मान लो कि हमारे पास जो है NaCl है और हमसे पूछा भैया बताओ NaCl जो है ये किस कैटेगरी ऑफ सॉल्ट में जाएगा, तो आप सोचिए कि NaCl कहां से आया होगा। तो NaCl बच्चे आया होगा एक तो NaOH और दूसरा HCl की वजह से। तो अब आपको बताया कि NaOH अगेन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्साइड होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या हो गया, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। अच्छा ये क्या हो गया आपका, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चे, अगर हम कहेंगे इसको कि ये न्यूट्रल सॉल्ट है। आप कोई और एग्जांपल देखते हो नाकों के साथ, आपको ये बताया जा रहा है। तो देखिए मान लो कि आपके पास है CH3COONa। अब बच्चे ये होता क्या है, कहां से आता है, तो हम इसको बोलते हैं सोडियम एसिटेट। क्या बोलते हैं बच्चे, सोडियम एसिटेट। अब आपसे कोई पूछेगा भैया बताइए कि सोडियम एसिटेट जो है वो कैसे टाइप का सॉल्ट है, तो आपको ध्यान रखना है बच्चे कि कैसे बना होगा, ये बना होगा आपके पास एसिटिक एसिड होगा CH3COOH प्लस आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा NaOH। अब आप देखिए ध्यान से, ये एक वीक एसिड होता है और देखो बच्चे ये एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। अगेन इस पर आप किसकी बात मानोगे, जो स्ट्रॉन्ग है उसकी बात मानोगे। तो यहां पर जो सॉल्ट बना ये कैसा सॉल्ट बन गया आपका, ये बन गया बच्चे बेसिक सॉल्ट। अब एक एग्जांपल समझते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास है इस बार NH4Cl, क्या कहते हैं इसको आप इसे कहोगे अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। अभी वो होता क्या बच्चे कि अमोनियम क्लोराइड जो है वो बना कैसे होगा, ये सोचो क्या है इसका पहले ऑरिजिन कहां है इसकी। तो आप जानते हो कि ये आया होगा NH4OH, सिम कहते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखो बच्चे ये जो है ये एक वीक बेस, इट्स अ वीक बेस, और ये जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो अगेन इस बार आप किसकी बात मानोगे, जो स्ट्रॉन्ग है उसकी। तो क्या बन गया बच्चे, ये एसिडिक सॉल्ट, सिंपल कॉन्सेप्ट। तो प्लीज इससे करिएगा, बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत चांसेस है इसके। लाइक करिएगा ये वीडियो, ठीक है बच्चे।